तो हाय दोस्तों, मैं हूँ राज राजुलस और आप देख रहे हैं द टेक्निकल आरजे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिया मोस्ट डेंजरस टॉप 10 हैकर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे है अंकित फाड़िया। आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आपने अंकित फाड़िया के बारे में तो सुना ही होगा। यह इंडिया का मोस्ट फेमस इंडियन हैकर में से एक है। इन्होंने टीवी इंटरव्यू के दौरान यह बताया कि उनको हैकिंग में इंटरेस्ट 12 साल की उम्र में ही हो गई थी। यह एक प्रोफेशनल इथिकल हैकर है। अंकित फाड़िया एक प्रोफेशनल इथिकल हैकर होने के साथ साथ एक टीवी होस्ट और एक लेखक है। यहाँ कमाल की बात यह है कि इन्होंने इथिकल हैकर में कोर्स नहीं किया, इन्होंने हैकिंग के सभी प्रैक्टिकल हैकिंग बुक्स को पढ़कर किया। अंकित फाड़िया की एज 34 साल आज हो चुकी है या 35 साल। इन्होंने हैकिंग के ऊपर बहुत से अच्छे बुक्स लिखे हैं, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। अंकित फाड़िया इथिकल हैकिंग ट्रेनिंग भी देते हैं। हैकिंग का वेबसाइट मैं लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ से। नंबर 2 में है राहुल त्यागी। राहुल त्यागी, इनको 5 साल के उम्र से ही हैकिंग का अनुभव है। कंप्यूटर के सिक्योरिटी के ब्रेक में महारत हासिल की है। यह एक लेखक होने के साथ साथ अच्छे एक्टर भी हैं। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन दिए हैं हैकिंग के ऊपर। नंबर 3 है प्रणव मिस्त्री। प्रणव मिस्त्री लोग इनको बहिष्कार 60 सेंस ए टेक्नोलॉजी के दौरान कारण जानते हैं। यह एक कंप्यूटर साइंटिस्ट भी है। इन्होंने बहुत से मल्टी इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम किया। प्रणव मिस्त्री ने इनविजिबल कंप्यूटर माउस का भी आविष्कार किया है। नंबर 4 है कौशिक दत्ता। कौशिक दत्ता माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम किया है। इन्होंने एंड्रॉयड हैकिंग काफ़ी इंटरेस्ट है। यह कारण है कि यह एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने के साथ साथ एंड्रॉयड फ़ोन को और भी ज़्यादा सेफ बनाते हैं। यह क्लॉकवर्क मोड के साथ काम करते हैं और इनका अपने नाम से कंपनी भी है जो खुद से चलाते। और नंबर 5 है सनी वेघेला। यह एक टेक डिफेंस लैब के फाउंडर और सीईओ है या एवं इंडिया के साइबर के सिक्योरिटी के ब्रांड एम्बेसडर भी है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वेबसाइट पर लूप होल्स निकाले। सनी वेघेला ने बहुत से हैकिंग क्राइम 20 साल की उम्र से ही सॉल्व करना शुरू कर दिया है था। इन्होंने बहुत से हैकिंग के ऊपर लाइव सेशन भी दिए हैं। और नंबर 6 है विवेक रामचंद्रन। विवेक रामचंद्रन को हैकिंग में मास्टर माना जाता है। इन्होंने बहुत से पुरस्कार जीते जिसमें मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को द्वारा दिया गया है। यह सिस्टम सिक्योरिटी, गवर्नेंस, वायरलेस सिक्योरिटी और कंप्यूटर फोरेंसिक्स के विषय के मास्टर माने जाते हैं। यह पोस्ट पेंटेस्टर एकेडमी एंड सिक्योरिटी ट्यूब ट्रेनिंग के फाउंडर और सीईओ है। यह एक अच्छे लेखक भी है। इन्होंने हैकिंग के ऊपर बुक्स लिखा है जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। और नंबर 7 है त्रिशनीत अरोड़ा। हरियाणा के रहने वाले त्रिशनीत अरोड़ा बहुत कम एज में ही हैकिंग के मास्टर हो गए थे। इनको पास खुद की कंपनी भी है जिसका नाम है TSC सिक्योरिटी एंड IT सिक्योरिटी कंपनी है। इन्होंने हैकिंग के ऊपर बहुत से हैकिंग बुक्स भी लिख चुके हैं, आप वहाँ जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं इनके नाम से सर्च करके। और नंबर 8 है संगीत चोपड़ा। संगीत चोपड़ा यह एक इथिकल हैकर होने के साथ साथ एक पब्लिक स्पीकर भी है या IT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है या एक साइबर क्योर टेक्नोलॉजीज PVT LTD में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स है। नंबर 9 है फाल्गुन राठौर। इन्होंने बहुत से साइबर क्राइम केस को सॉल्व किया है। यह एक यंग हैकर है। इनको इंडियन के टॉप हैकर्स के लिस्ट में जगह मिली थी इंडियन टुडे और सिलिकॉन इंडिया की तरफ से। फाल्गुन राठौर ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर इंडिया में लोगों को जागरूकता पैदा किया है। और नंबर 10 है और सबसे लास्ट राजेश बाबू। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि यह मोस्ट डेंजरस हैकर ग्रुप ब्लैक हैकर्स के मेंबर में भी रह चुके हैं। अभी के समय में
राजेश बाबू एक इंडिया एथिकल हैकर्स है। इनके पास अपनी खुद कंपनी के नाम है माई रॉक्स, जो केरला में है। तो ये था हमारा कुछ परिश्रम मेहनत जो आप लोग तो लाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।